बीजेपी नेता राम कदम का शिवसेना पर हमला, आरए कार सेट साइट स्थानांतरित करना बताया बेतुका, कहा 4,000 करोड़ रुपए का होगा अपव्यय। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना के उस निर्णय को बेतुका बताया है जिसमें सरकार ने मेट्रो कारसेट साइट को आरए से हटाकर कांजूर मार्ग में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। बीजेपी नेता ने बताया कि सरकार के इस काम से सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को स्थानांतरित करने में 4,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि शिवसेना नेताओं को यह पैसा अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। मेट्रो कारशेड आरएच्या ठिकाणी न बनवता कांजूरमार्गला बनवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा दुर्दैवाने करदात्या जनतेच्या 4,000 कोटी रुपयाची बर्बादी करणारा, उधळपट्टी करणारा हा निर्णय केवळ आणि केवळ शिवसेना नेत्यांच्या हट्टापोटी, त्यांच्या खोट्या इगोपोटी हे महाराष्ट्राचं सरकार जनतेच्या 4,000 कोटी रुपयाची लूट करतंय। आरेच्या ठिकाणी साधं पानाचं देठ सुद्धा तोडण्याची आवश्यकता नाही। क्रिकेट खेळू शकतो असं सपाट मैदान असताना सुद्धा सरकारचा हट्ट हा कशा पाई, यांना एवढेच पैसे बर्बाद करण्याचा शोक असेल तर या सरकारच्या मंत्र्यांनी स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकावेत। करदात्या जनतेच्या पैशाची त्यांना लूट अशा पद्धतीनं करता येणार नाही। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।